हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दोहा एरोमा। आज मैं यहाँ पर बादाम का हलवा बना रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी, हेल्थी और रिच होता है। आप इसको चाहे तो किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं या फिर नॉर्मली घर में बना के खा सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही हेल्थी और टेस्टी होता है। तो चलिए देखते हैं कि बादाम का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब बादाम लिया है, जिसको रात भर भिगा कर मैंने उसका छिलका उतार लिया है। अब मैंने 1 कप के करीब ही चीनी लिया है। चीनी और बादाम की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। 1/2 कप मैंने दूध लिया है, 4 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है और थोड़ा से दूध में मैंने सैफ्रॉन को भिगा के रख लिया है। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बादाम को पीसूँगी, उसके लिए मुझे एक जार चाहिए। मैं सारे बादाम को जार में डाल दूँगी और दूध भी डाल दूँगी और एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लूँगी। देखिए पेस्ट बन चुका है। अब मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून के करीब घी डालूँगी। घी को थोड़ा गर्म होने दें। अब उसमें बादाम का पेस्ट डाल दें। पेस्ट को धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए भूनें। एक बात ध्यान रखें कि बादाम के हलवे को लगातार चलाते रहें, वरना ये नीचे से लग सकता है। अब 2 मिनट हो चुका है, मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और ये एक लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। और इसको लगातार चलाते रहें, जिस तरह से मैं चला रही हूँ। देखिए बादाम का पेस्ट जो था बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में हो चुका है। अब मैं इसमें सैफ्रॉन वाटर डाल दूंगी। आप चाहे तो थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, जिससे बादाम के हलवे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसको लगातार चलाते रहें। और गैस की फ्लेम को स्लो ही रखें। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून घी और डाल दिया है। हलवे को लगातार चलाते रहें, वरना नीचे से हलवा लग जाएगा, जो कि टेस्ट में बहुत ही ख़राब लगेगा। मैंने थोड़ी सी घी और डाल दी है, जो बची हुई थी। आप देख रहे हैं कि कैसे हलवे में बबल्स निकल रहे हैं। आप इसको ध्यान से चम्मच चलाएं, वरना ये चटक कर आपके चेहरे पर या हाथ पर आ सकता है। तो केयरफुली चम्मच को चलाएं। अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि हलवा थोड़ा सा ठीक हो रहा है। हलवे को तब तक पकाना है जब तक कि बिल्कुल ठीक हो जाए और वो सरफेस को छोड़ दे नीचे से। अब मैं इसमें यहाँ पर एक कार्डेमन एसेंस डालूँगी। आप चाहे तो कार्डेमम पाउडर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मैं कार्डेमम एसेंस डालूँगी। उसको लगातार चलाते रहें। तो आप देख रहे हैं कि हलवा थोड़ा सा थिक हो चुका है। इसी तरह लगातार हलवे को चलाते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोस डालूं तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि दोहा अरोमा के नाम से है, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब आप देखिए
कि हलवा मोस्टली तैयार हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी। हलवा पकाते हुए मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगे हुए हैं। हलवा अच्छे से पक चुका है, मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए मेरा बादाम का हलवा बनकर तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर। एक बात का ध्यान रखिए कि हलवा नॉनस्टिक पैन में ही बनाएं और हलवे को एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर आप एक हफ्ते तक उसको खा सकते हैं। थैंक यू सो मच।